Good morning, students. Today we are going to start expenditure method. बेटा, I hope कि आपने previous videos ध्यान से देखी हैं और समझी हैं. In the previous videos, we have discussed the income method and value added method. ठीक है, तो this is a third important method. तो ये chapter ये है नेशनल इनकम. इसमें हमारे तीन ही मेथड हैं जो आपके सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड हैं और इम्पॉर्टेंट मेथड्स भी यही हैं. नाउ एक्सपेंडिचर मेथड इज़ व्हाट? एक्सपेंडिचर मेथड इज अंडर एक्सपेंडिचर मेथड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज़ डन बाय कैलकुलेटिंग द फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द टोटल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस. ठीक है, आपने पूरे इकोनॉमी में, ठीक है, हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में फाइनल एक्सपेंडिचर कितना करा है एक प्रोडक्ट को बनाने में. देखो, दोबारा से ध्यान से पढ़ो. अंडर दिस मेथड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज डन बाय कैलकुलेटिंग द फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो. ठीक है, अगर उस प्रोडक्शन को मार्केट प्राइस पे हम सेल करते हैं तो क्या कॉस्ट हमारी इंकर हो रही है एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में? ठीक है, उसका जो समेशन है वो क्या है? हमारी नेशनल इनकम. इट मीन्स दैट अंडर एक्सपेंडिचर मेथड एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एप्रोप्रिएट आइटम्स इन इट. नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड कैसे कैलकुलेट होती है? हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ इनकम डिस्पोजल मेथड. जो आपने इनकम अर्न करी है उसको कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करोगे ना, मतलब इन्वेस्टमेंट करोगे या एक्सपेंड करोगे, और कंजप्शन इन्वेस्टमेंट मेथड. क्लियर है बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. देखो, जो फाइनल एक्सपेंडिचर है, द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी इज नोन एज द फाइनल एक्सपेंडिचर. Final goods and services refer to those goods and services which are consumed by the consumer to satisfy this one. देखो, expenditure का मतलब क्या है? जो final expenditure आप during a specified period of time एक economy में करते हो, उसमें क्या क्या आ जाता है? Final goods and services. अब ये final goods and services का क्या मतलब है? वो goods and services which are consumed by the consumer to satisfy their want. अगर एक कंज्यूमर ने बैंकिंग सर्विसेज की डिमांड करी है तो उसके लिए वो बैंकिंग सर्विसेज उसकी फाइनल कंजप्शन है या एक्सपेंडिचर है. अगर उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर की डिमांड करी है तो जो इंश्योरेंस सर्विसेज हैं वो इसके लिए एक्सपेंडिचर. तो एक कस्टमर चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है जिससे उसकी वांट सेटिस्फाई हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनल एक्सपेंडिचर. On the contrary, if the goods and services are purchased to produce some other goods, such as goods and services are called intermediate goods and services. In national income, only the expenditure incurred on the final goods and services included. So, ये चीज़ हम already discuss कर चुके हैं कि जो goods and services हमारी intermediate goods पे की जाती हैं, जो expenditure intermediate goods पे किया जाता है, it is not included in फाइनल एक्सपेंडिचर. वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता. अगर हम उसको इंक्लूड करेंगे तो वो ड्यूअल काउंटिंग हो जाएगी. क्लियर? सो अब कौन कौन से हैं कंपोनेंट्स फाइनल एक्सपेंडिचर के? फाइनल एक्सपेंडिचर का में कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. दिस कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड द फाइनल एक्सपेंडिचर incurred by individual consumer, consumer household and non-profit institutions on various goods and services during a specified period of time. इसमें वो सारे individual consumer, household sector आ गए हैं, चाहे कोई non-profit institution है जो
गुड्स को परचेज कर रहे हैं स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, किस चीज़ के लिए? कंजप्शन करने के लिए। वो कस्टमर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, हाउस होल्ड सेक्टर भी हो सकता है, कोई भी एनजीओ हो सकता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द प्राइवेट कंज्यूमर्स विद देयर रिस्पेक्टिव प्राइस। अगर आपको पता हो कि जो प्राइवेट कंज्यूमर है उसने कितनी क्वांटिटी बाय करी और उसका मार्केट प्राइस क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पता लग जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है। क्लियर है बेटा? हैंस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस ऑन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो इसमें बेटा ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाएंगी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाएंगे। क्लियर है जी? देखो, एक तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन होती है, दूसरी होती है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। मतलब एक तो प्राइवेट हाउस होल्ड सेक्टर है जो गुड्स की डिमांड करते हैं, दूसरी डिमांड की जाती है बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर कुछ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रही है, वो भी हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। मैं आपको ध्यान में आपको याद करवा दूँ बेटे कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट पार्टीज ने करा या गवर्नमेंट सेक्टर ने करा, चाहे वो खर्चा कंजप्शन के लिए हो रहा है या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, उसको हम टोटल करेंगे, वो हमारी नेशनल इनकम बनेगी। ऑन दी अदर हैंड वैल्यू एडिड मेथड में क्या था कि जो इंस्टीट्यूशंस प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जितनी वैल्यू एडिशन अलग अलग सेक्टर कर रहे हैं वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है। इनकम मेथड में हम देखो जितने भी सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उन्होंने प्रोडक्शन करने से या सर्विसेज प्रोवाइड करने से जो जो उनको इनकम रिसीव हुई है उसको सम टोटल कर देंगे तो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। क्लियर है बेटे? अब गवर्नमेंट भी कुछ फाइनल एक्सपेंडिचर करती है, इसमें भी देखो कंपोनेंट सेम है। द कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड द फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज़ सारी सेम है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द क्वान्टिटी ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाई गवर्नमेंट विद द रिस्पेक्टिव प्राइजेस। क्लियर? सो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करती है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ने बाई करी हैं तो वो हमारा क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन है। नेक्स्ट है जी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है, द ग्रॉस एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल गुड्स के ऊपर कुछ भी इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज सो बिकॉज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन द कैपिटल फॉर्मेशन और एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द कंट्री। देखो, जो चीज़ें हमने कंज्यूम करने के लिए जिन चीज़ों के ऊपर एक्सपेंडिचर करा वो भी हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। अगर हमने कुछ इस तरह के आइटम्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है या एक्सपेंडिचर हम कहते हैं जो फाइनली हमने कंज्यूम नहीं करी है, फाइनल कंजप्शन नहीं हुई है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इसलिए की गई है ताकि हमारी कैपिटल फॉर्मेशन हो सके, मतलब हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। सो इट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक बिकॉज इट टेक्स प्लेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। तब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में एलिमेंट आते हैं बेटे फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड पहले फिक्स इन्वेस्टमेंट हम डिस्कस करते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि वो इन्वेस्टमेंट है जो कैपिटल गुड्स पे की जाती है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन मशीन इज़ अ फिक्स इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो बेटे आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो फिक्स इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट में आ जाता है आगे बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है द इन्वेस्टमेंट
fixed investment made by the private business sector. It is in the form of investment in fixed assets such as plant and machinery. जो businessman ने plant and machinery के ऊपर investment करी है उसके लिए वो fixed investment है. Second is public fixed investment. It is an investment made by the public sector or the government. It is in the form of investment in fixed assets such as the plant and machinery and industrial construction made by public sector. It also include investment by government on the construction of infrastructure facilities. अगर government infrastructure facilities के ऊपर investment नहीं करेगी, मतलब spend नहीं करेगी, तो बाकी जो business sector है उसको support नहीं मिलेगी. गवर्नमेंट के लिए ये खर्चा करना ज़रूरी है और ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, तो अगर हम बात करें डिटेल में तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में एक तो हमारी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ गई है एंड सेकेंड इज पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इज हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. देखो एक तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है फिक्स्ड एसेट्स में. ठीक है, गवर्नमेंट ब्रिजेस बनाती है उनके लिए, उन गवर्नमेंट को मशीनरी चाहिए. एक बिजनेस सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है इन ड्यूरेबल आइटम्स में. सेकेंड इन्वेस्टमेंट करी जाती है बाय द हाउस होल्ड सेक्टर. द फिक्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर. तो अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने अपने रेजिडेंशियल हाउस बनाए हैं तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, वो फिक्स्ड कैपिटल नेचर की है, तो इसे हम हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. क्लियर है बेटे? नेक्स्ट इज इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर. हमने बात करी थी प्रीवियस स्लाइड में कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो तरह का है. एक तो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में तीन तरह की इन्वेस्टमेंट आ गई हैं. एक तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तीसरा हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जो एक इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बिजनेस भी कर सकता है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकता है और हाउस होल्ड सेक्टर भी कर सकता है. अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दूसरी, दैट इज़ इन्वेंट्री. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो है जो फिक्स्ड है, एक बार हो गई है तो वो बार बार नहीं की जाएगी, बार बार इंकर नहीं की जाएगी. मतलब ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपने लॉन्ग रन के लिए करी है. सेकंड जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है वो करी जाती है इन्वेंट्री के लिए. ठीक है, तो इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर में क्या आता है, द चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल आर ऑल्सो सच अ पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन विच डज नॉट गेट सोल्ड. तो अगर गवर्नमेंट ने या प्राइवेट सेक्टर ने या बिजनेस सेक्टर ने फिनिश गुड्स में, सेमी फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, ये कैसे पता लगेगा कि इन्वेस्टमेंट हुई है? हम देखेंगे चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है तो इट मींस इन्वेस्टमेंट है. देर इज चेंज, इफ देर इज चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो जितना चेंज आया वो हमारी इन्वेस्टमेंट है. बाकी तो सारा भी अनसोल्ड पड़ा है ना, जो अनसोल्ड पार्ट है इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ एक्सपेंड नेशनल इनकम. Therefore, expenditure incurred on the stock is also considered to be part of investment expenditure. It must be noted that the change in stock is the difference between closing stock and opening stock. हमें सिर्फ change in stock consider करना है. We will not consider opening stock or closing stock collectively. We will see the difference of closing stock and opening stock only. Right? नेक्स्ट जो एक्सपेंडिचर में आता है दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स. तो नेट एक्सपोर्ट्स मींस व्हाट? नेट एक्सपोर्ट्स इज, देखो कोई भी जो इकोनॉमी है वो इंपोर्ट करती है गुड्स का, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है, परचेज करती है. अब वो उस पे ऊपर उसकी जो हम पेमेंट्स करते हैं वो उसके लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है. बट अगर हमने एक्सपेंडिचर करा, ऑन दी अदर हैंड हमने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट्स भी करी होंगी तो उससे हमें इनकम भी हुई होगी. तो हम यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स लेते हैं, तो नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड लेते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि फॉरेन इकोनॉमी से हमें क्या इनकम हो रही है या फॉरेन ट्रेड से हमें क्या इनकम हो रही है या उस पर क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है. सो नेट एक्सपोर्ट्स रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट मेड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. एक्सपोर्ट क्या है आपको पता है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय फॉरनर्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. अब एक्सपोर्ट्स की डेफिनेशन क्या है,
हमारे लिए एक्सपोर्ट्स इनकम है, बट फॉरेनर्स के लिए एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपेंडिचर है। उन्होंने हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसके ऊपर जो एक्सपेंड करा वो एक्सपोर्ट है। सेम वे इम्पोर्ट क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अब्रॉड। जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड में प्रोड्यूस की गई हैं, जब उनको बाय करा, उस पर एक्सपेंडिचर करा, वो हमारे लिए इम्पोर्ट है। सो इनकम अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट इज एडेड इन नेशनल इनकम व्हाइल पेमेंट मेड फॉर एक्सपोर्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड। मतलब हम इम्पोर्ट्स को माइनस करेंगे। क्लियर है बेटे? सो देखो, एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग बेटे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं आपको फिर से बता दूं कि अगर कुछ फाइनल कंजप्शन हुई है, चाहे वो फाइनल कंजप्शन गवर्नमेंट ने करी है या प्राइवेट सेक्टर ने करी है, वो एक्सपेंडिचर है। नंबर थ्री, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फिक्स नेचर का भी हो सकता है और इन्वेंट्री में भी हो सकता है। फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर है जी? सो नाउ अब कैलकुलेट कैसे करेंगे हम नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड? बड़ा क्लियर है बेटे, आपको सारी चीज़ें गिवन होंगी, आपने जस्ट उसको उठा के क्लब करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट किया जाएगा इसमें। इससे पहले हम कब फाइंड आउट करते थे जीडीपी एट मार्केट प्राइस? वैल्यू एडेड मेथड में, आपको याद होगा। जब हमने इनकम मेथड करा था तो अब हमने क्या कैलकुलेट करा था? थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस हो, क्या कैलकुलेट करा था हमने? हमने पहले करा था एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है? फिर हमने एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करा और उसके बाद हमने डिफरेंट एग्रीगेट्स कैलकुलेट करे। अब एक्सपेंडिचर मेथड में भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा। ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर फर्स्ट पार्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर सेकेंड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्री भी आ जाएगी और फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर? नाउ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस निकाला, ग्रॉस से नेट में जाना, तो क्या करेंगे हम? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। क्लियर? उसके बाद हम सारे एग्रीगेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। देखो, जब एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करना है तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। हमने इनकम मेथड में भी डिस्कस करा था, वैल्यू एडेड मेथड में भी डिस्कस करा था, एक्सपेंडिचर मेथड में भी, काफ़ी पॉइंट्स तो सेम है। एनी हाउ, इंक्लूजन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ओनली। सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। फाइनल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम एक्सक्लूड करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन को। वो फाइनल गुड्स बनाने के लिए अगर इंटरमीडिएट कुछ गुड्स यूज़ की गई हैं, दोज गुड्स विल बी एक्सक्लूडेड। अगर आपको गिवन है कि ये इंटरमीडिएट कंजप्शन है, जब तक नहीं गिवन तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको गिवन है इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो लेट इट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नेशनल इनकम। इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड इज ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट हम कैसे ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? ट्रांसफर पेमेंट का बेटे सीधा साधा मीनिंग ये है कि ये वो इनकम है जो किसी एक सेक्टर की हो रही है, ठीक है, और उसके बदले में उन्होंने कुछ प्रोडक्शन नहीं करी, कोई सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस करी, ठीक है। वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इसलिए कर रही है, गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर करनी है, या ऑलरेडी उन लोगों की इनकम में से ये सब्ट्रैक्ट की हुई थी। जैसे कि विडो पेंशन क्या होती है? जो विधवा औरतें हैं उनकी पेंशन गवर्नमेंट लगाती है, तो गवर्नमेंट कुछ फंड्स असाइड करके रखती है ऐसी नोबल कॉजेज के लिए। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देती है या ओल्ड एज पेंशन देती है, ये गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र पेमेंट है। मतलब ये एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्सपेंडिचर कौन करेंगे? ये लोग करेंगे। विडो को पेंशन देना वो पेमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमने सिर्फ फंड ट्रांसफ़र करे हैं। जब इन लोगों को पेमेंट मिलेगी, इन लोगों के पास स्कॉलरशिप जाएगा,
तो ये लोग कोई आइटम कंज्यूम करेंगे, कंजप्शन करेंगे, देन दैट एक्सपेंडिचर विल बी इंक्लूडेड। अगर आप ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स को भी इंक्लूड कर दोगे तो बेटे ये डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों के पास भी जो इनकम जानी है ये भी उस इनकम को फर्दर स्पेंड करेंगे। आई थिंक क्लियर है आपको पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स का कंसेप्ट सेम है कि अगर सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर कोई भी बंदा उसको कंज्यूम कर रहा है या एक्सपेंड कर रहा है, मान लो मैंने सेकेंड हैंड कार खरीद ली, क्या इससे इकोनॉमी मूव करी? नो। जो मारुति है, मारुति को कोई फ़ायदा हुआ? मैंने सेकेंड हैंड कार खरीदी मार्केट से, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, अगर मैंने किसी ब्रोकर को कमीशन पे करा है, कमीशन पेड ड्यूरिंग द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, वो नया एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर करने से किसी बंदे को इनकम हुई है। क्लियर है? सेकेंड हैंड कार खरीदने से किसी को इनकम नहीं होती, वो तो उसने एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट करी थी, उसकी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ हो गई है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अंडर एक्सपेंडिचर मेथड ओनली रियल इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर एट्सेट्रा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि हम देखो, अगर हम शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर के ऊपर जो हमने इन्वेस्टमेंट करी उसको हम एक्सपेंडिचर में ट्रीट करेंगे, तो ये कंपनीज जब हमसे फंड्स रिसीव करती हैं शेयर्स की फॉर्म में या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स की फॉर्म में, तो इन लोगों ने भी फर्दर स्पेंडिंग करनी है, तो ये तो बेटे ड्यूअल स्पेंडिंग हो जाएगी, ड्यूअल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को, इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए किसी भी तरह के शेयर्स, बॉन्ड या डिबेंचर में अगर इन्वेस्टमेंट है, तो मतलब जितनी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट नहीं होंगी, इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अंडर एक्सपेंडिचर मेथड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड डेप्रिसिएशन। इट मीन्स दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इनफैक्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि डेप्रिसिएशन बीच में ही है, डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड नहीं करेंगे हम, नेट इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि हमने 1 लाख की कार खरीदी तो उसमें से 10,000 उसके डेप्रिसिएशन माइनस करके 90,000 शो करेंगे, नो, हम 1 लाख ही शो करेंगे, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है GDP। ठीक है, अगर हम डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके करेंगे, इन्वेस्टमेंट कंसीडर करेंगे, तो वो तो NDP आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इलीगल एक्टिविटीज़। अगेन एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन इलीगल एक्टिविटीज़ नॉट इंक्लूडेड। इलीगल एक्टिविटीज़ के ऊपर अगर आपने एक्सपेंडिचर करा है या उससे कोई इनकम हो रही है, किसी भी तरह से हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, ऑल दो वो इनकम हमारे देश की है। ठीक है, ऑन अकाउंट प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, मतलब अगर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज बाय द प्रोड्यूसर देमसेल्व्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मतलब जो एक्सपेंडिचर कह लो कि अगर एक प्रोड्यूसर ने मान लो 1,000 यूनिट्स बनाई, ठीक है, उसमें से 900 यूनिट्स उसने मार्केट में सेल कर दी, 100 यूनिट्स उसने डोमेस्टिक यूज़ के लिए कंज्यूम कर ली, अपने घर पे ले गया, तो ये जो 100 यूनिट्स उसने ऑन अकाउंट के लिए प्रोड्यूस करी हैं वो भी हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है, मतलब वो 1,000 यूनिट की ही एक्सपेंडिचर शो करेगा। क्लियर बेटे? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड इन फाइनल एक्सपेंडिचर, बट द एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट इंक्लूडेड। देखो, सेल्फ कंजप्शन पे अगर गुड्स पे कुछ खर्चा हुआ है तो वो इंक्लूड होगा, बट सर्विसेज को अगर प्रोड्यूस करने में कुछ खर्चा हुआ है देन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्लियर है? ये सारे बेटे फिनोमिना सेम है जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस मेथड्स में। सो बेटे, ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है GDP एट मार्केट प्राइस। देखो, आपको गिवन है गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर 150 लाख रुपीस, ठीक है, डेप्रिसिएशन गिवन है 100 लाख रुपीस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 140 लाख, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 लाख, नेट एक्सपोर्ट्स -40 में गिवन है, इंक्रीज इन स्टॉक 40 लाख, GDP
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 250 लाख, प्राइवेट फाइनल कंसप्शन एक्सपेंडिचर 1200 लाख। तो अब हमें फाइंड आउट करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला फिर से आपको याद करवा दूँ। जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इंक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब यहाँ पे क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो आपकी देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, एक तो गवर्नमेंट ने खर्चा करा, प्राइवेट पार्टी ने खर्चा करा कंजप्शन पे। दूसरा जो आपने फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे इन्वेस्टमेंट करी या इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करी एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ये चीज़ें हैं आपकी। अब जस्ट चीज़ें पुट अप करनी है हमें, जो जो चीज़ें इस फॉर्मूला में पुट होती हैं। क्लियर? और कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये ऐड होगा। सोचो ज़रा, ये ऐड होना है, बिल्कुल होना है। गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ना 150 लाख, ये ऐड करेंगे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन नहीं हम ऐड करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं देखेंगे, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नहीं देखेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स हैं ये हम ऐड करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं? -40 है, तो इसको लिखेंगे -40। क्लियर? अब इंक्रीज इन स्टॉक है, ये भी ऐड होना है। इन्वेंट्री स्टॉक है ना हमारे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ये भी ऐड होनी है 250 लाख। प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1200 लाख। क्लियर है? अब इसको ज़रा करो, टोटल कितना आया? देखो ज़रा, 1200 है, 140 से 40 क्रॉस हो गया। ठीक है, 250 प्लस 150 कितना हो गया? 400। 1200 प्लस 400, 1600 हो गया। ठीक है, तो देखो ज़रा, लेट अस सी, 1600 लाख की हमारी क्या हुई है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अब अगर हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना हो, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया 1600 लाख। डेप्रिसिएशन आपको गिवन थी, देखो डेप्रिसिएशन 100 लाख की गिवन है, तो हमने 100 लाख की डेप्रिसिएशन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब इसके अलावा आपको नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे? एनडीपी फाइंड आउट करें, एनएनपी फाइंड आउट करेंगे। एनएनपी अगर एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? 1500 लाख आई हमारी, सॉरी जीडीपी आई है हमारी 1600, तो 1600 में हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है बेटा? देखो जरा, अगर हमें एनएनपी लेना है देन सॉरी हमें करना लेनी पड़ेगी एनडीपी। एनडीपी इज 1500 लाख। हाँ जी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करनी है, देन 1500 में क्या ऐड करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1400, देन इट विल बी 1900। तो ये आया हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो 1900 में से हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। 140 लाख के वो हैं, देन 1760 लाख की हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। क्लियर है बेटे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? आपको देखो ग्रॉस डोमेस्टिक के फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसके लिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 2000 ऐड होता है। ओके, नेक्स्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ऐड होती है जीडीपी में? नो। नेट एक्सपोर्ट्स, ये ऐड होएगा, -200 है, हमने कर दिया। प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम बेटे वो इनकम है जो एक पार्टी या एक प्राइवेट हाउस होल्ड सेक्टर है, उसकी इनकम हुई है 4000 करोड़ रुपीस की।
अगर तो हमें कुछ ना गिवन, अगर वो पर्सन इसमें से कुछ सेव ना करे, देखो हमें पता ना कि इनकम इज़ द फंक्शन ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एक पर्सन की मान लो अगर 100 रुपये इनकम हुई है, तो उसमें से अगर उसने 60 रुपीज़ कंज्यूम कर लिए, देन इम्प्लाइड है कि उसने 40 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करे होंगे। अगर उसने 40 कंज्यूम करे, तो पता है कि 60 रुपीज़ उसने इन्वेस्टमेंट करी होगी। ठीक है, अगर हमें गिवन है कि उसकी इनकम हुई है 4000 करोड़ की, मतलब प्राइवेट हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम है 4000 करोड़, देन इसका क्लियर कट मीनिंग है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने 4000 करोड़ की स्पेंडिंग करी होगी, अगर उस प्रोवाइडेड उसने उसमें से कुछ सेविंग्स नहीं करी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो, प्राइवेट सेविंग्स गिवन है 450 लाख की। 450 लाख की सेविंग्स होने का मतलब क्या है कि अगर उसकी 4000 की इनकम हुई थी, उसमें से 450 की उसने सेविंग कर ली प्राइवेट हाउस होल्ड ने, तो उसने स्पेंड कितना करा होगा, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर की इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर कितना हुआ होगा। हम इसमें ऐड करेंगे 4000 में से 450 माइनस करके, मतलब 3550 करोड़ का एक्सपेंडिचर करा होगा प्राइवेट सेक्टर ने। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। चेंज इन स्टॉक कितना है, 400 लाख करोड़ का, ये हम कंसीडर करेंगे। डेप्रिसिएशन भी कंसीडर नहीं होगी। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये कितना है जी, 600 करोड़ का, ये हम कंसीडर करेंगे। तो कैलकुलेट करो बेटे, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस कितना आया इसमें से। देखो जीडीपी एंड मार्केट प्राइसेस, हाँ जी कैलकुलेट करो, 2000 माइनस 200, ठीक है कितना हो गया 1800, प्लस 4000 माइनस 450। हाँ जी कर रहे हो कैलकुलेट, सब बच्चे कर नहीं रहे। 2000 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है ना बेटे, तो इसका साइन कौन सा रह जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 1800 हो जाएगा प्लस 4000, 4000 क्या है प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, माइनस 450 जो कस्टमर ने सेविंग कर ली है, प्लस चेंज इन स्टॉक 400, प्लस 600 कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो 6350 के क्या है हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस अगर फाइंड आउट करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया, माइनस क्या करेंगे डेप्रिसिएशन, 350 करोड़ की डेप्रिसिएशन माइनस करो, तो जी 6000 करोड़ का हमारा आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब अगर इससे अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो अकॉर्डिंगली इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ये वो हम सारा कुछ मैनेज कर लेंगे। ठीक है बेटा, सो ये देखो ये उसका सल्यूशन है। देखो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, डेप्रिसिएशन एनडीपी एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। बट आई सुजेस्ट यू कि आप पहले स्टेप पे जीडीपी फाइंड आउट करो, उसके बाद आप एनडीपी फाइंड आउट करो। क्लियर है बेटा, ठीक है। सो आगे ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप मैं आपको और भी सेंड करूँगी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इस टॉपिक का, देन उसके बाद हमारी जो सिलेबस है इस यूनिट का वो कंप्लीट है ऑलमोस्ट। तो एक दो टॉपिक रह गए हैं, छोटे छोटे से हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेशनल इनकम। हाँ जी क्या क्या गिवन है देखो जरा, आपको आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको फाइंड आउट करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट।
देखो आपको जो भी फाइंड आउट करना है, हमें पता है कि अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो आपको गिवन नहीं है कि आपने एक्सपेंडिचर मेथड फॉलो करना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगा कि एक्सपेंडिचर लगाना है या इनकम मेथड लगाना है। अब जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे आपको क्या जजमेंट हो रही है कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। अब देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, ये सारी आपको आइटम्स गिवन है एक्सपेंडिचर मेथड किया, ठीक है। बाकी ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये तीन चीज़ें सब जगह पे सेम रहनी है, ये हर मेथड में आनी आनी है, सिर्फ ये चीज़ें डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है GDP। बेटा सीधा जैसे इन्होंने NDP एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करा है, कभी भी डायरेक्ट NDP एट फैक्टर कॉस्ट नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम पहले फाइंड आउट करेंगे GDP एट मार्केट प्राइस। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 250 लैक्स, वो कर लिया। नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जब गिवन है देन इसमें आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, चाहे वो इन्वेंट्री की है या आपकी फिक्स्ड नेचर की है, दोनों इंक्लूडेड है। अब नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है तो वो फोर्थ आइटम है, -50, ये आने ही आना है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 900, ये ऐड करेंगे। एंड आपको गिवन है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 100, हाँ जी, इसको टोटल करो ज़रा, 900 + 100,000 1250 हो गया, 1250 - 50 तो 1200 लैक्स की आ गई आपके पास GDP, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, GDP एट मार्केट प्राइस में से हमने क्या करना है, देखो हमें फैक्टर कॉस्ट तक जाना है तो हम पहले क्या निकालेंगे, GDP से NDP निकालेंगे एट मार्केट प्राइस। वो कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन गिवन है, देखो डेप्रिसिएशन इज 80 लाख, -80 करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 1120 लैक्स की आ गई NDP एट मार्केट प्राइस। अब हम क्या फाइंड आउट करना है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, NDP एट मार्केट प्राइस 1120 है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 120, तो कितना हो गया 1120 - 120 1000 हो गया। तो ये देखो 1000 लाख की आ गई जी आपकी NDP एट फैक्टर कॉस्ट, क्लियर है। अब और क्या फाइंड आउट करना था हमें, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैसे निकालनी है, आपके पास NDP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब क्या है, नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, नेशनल इनकम इज NDP एट फैक्टर कॉस्ट है, इसमें हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देनी है, ठीक है। वो क्या है, माइनस में है, -20 है, तो देखो ज़रा कैसे आएगी, -1000 - 20 तो 980 लैक्स की आपकी हो जानी है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम विल बी 1000 - 20 980 लैक, क्लियर है बेटे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल पार्ट, आप इसको ध्यान से पढ़ो, आपको सारा समझ में आएगा, सारी वीडियोस को दोबारा देखो सो दैट आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, क्लियर बेटे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस सम स्मॉल कंसेप्ट्स रिलेटेड विद दिस चैप्टर एंड आई विल ऑल्सो सेंड यू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।